पक्षी, शायद इस नाम से कई लोग इस पक्षी के नाम को जानते नहीं है। दरअसल इस पक्षी को अंग्रेजी भाषा में ईगल कहा जाता है। उकाब पक्षी को दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली, श्रेष्ठता और सफलता के जीवित प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। उकाब सबसे शक्तिशाली पक्षी होते हैं, जिसकी बड़ी और भारी चोंच के साथ उसके बड़े बड़े पैर होते हैं। यह एक शिकारी पक्षी है जिसका भोजन जानवरों का मांस है। शिकारी पक्षियों को यह प्रजाति बाज, चील, गिद्ध के परिवार से संबंधित है। इसे गरुड़ नाम से भी जाना जाता है। उकाब पक्षी बांस के आकार से भी बड़े होते हैं, जिसके कारण इसके पास सबसे अधिक ताकत होती है। और तो और, भगवान विष्णु जी के वाहन के रूप में भी इसी पक्षी को दिखाया जाता है। जब इस पक्षी को भूख लगती है तो जमीन में अगर किसी जीव को अगर ये देख ले तो उसका मरना निश्चित होता है। सांप को तो ये नोच नोच के खाता है। इस वीडियो में आज हम इस पक्षी के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर में ईगल पक्षी की 60 से ज्यादा प्रजाति है। ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं और बेल्ट ईगल की प्रजाति सिर्फ अमेरिका में पाई जाती है। बेल्ट ईगल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। सभी उकाब पक्षी की प्रजातियां जो है एक्सिपिटिडाए फैमिली से संबंधित है। इस फैमिली में बाज, चील, गिद्ध जैसे कई पक्षी शामिल होते हैं। उकाब पक्षी के पंजों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह मनुष्य की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत होती है। वह अगर चाहे तो किसी इंसान को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तभी तो वह बड़े बड़े जीवों को अपने पंजों के पकड़ से पकड़ के उड़ा ले जाती है और अपना वो शिकार बना लेती है। उकाब पक्षी अपना घोंसला ज्यादातर पहाड़ों पर और ऊंची चट्टानों पर बनाते हैं। इन पक्षियों को अकेले में रहना बेहद पसंद है। इन पक्षियों की ऊंचाई लगभग 2.5 से 3 फीट की होती है और इनके पंखों का फैलाव 6.5 फीट तक होता है। ईगल पक्षी की नजर बहुत तेज होती है। उसकी आंखें मनुष्य की आंखों से बड़ी होती है और तो और वह दूर तक देख सकता है। यह करीब 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक अपने शिकार को देख सकता है, जो कि काफी सराहनीय है और इनके लिए बहुत ही मददगार साबित होती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। उकाब पक्षी यानी कि ईगल अपनी तेज गति और फुर्ती और ऊंची उड़ान के लिए काफी मशहूर है। गोल्डन ईगल नाम की उकाब की प्रजाति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ती है। जब वो आकाश में मंडराते हैं, उकाब की नजर अपने शिकार पर पड़ती है, तब वह अपने पंखों को एक कोन में मोड़ ले देता है और तिरछा झपट्टा मारता है, जिस प्रकार से किसी शिकारी का बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा हो जाता है। ईगल के जीवन में एक खतरनाक समय भी आता है जब वह उड़ना सीखता है। तब इस कोशिश में कई सारे उकाब यानी कि ईगल अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। यह पक्षी 70 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे पहुंचने के लिए उसे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ईगल की उम्र जब 40 साल की हो जाती है तब उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ईगल हार नहीं मानता और एक नए बल के साथ और ऊंची उड़ान भरता है, जिससे वह अपने जिंदगी की 70 साल पूरी करती है। लेकिन इसके लिए उकाब पक्षी को कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वह पहाड़ों पर जाकर चट्टान पर अपनी चोंच को मार मार के तोड़ देता है। इसके बाद जब नई चोंच निकलती है तो वह अपनी नई चोंच से अपने पंजों के नाखूनों को एक एक करके तोड़ देता है। साथ ही वह अपनी नई चोंच से अपने पंखों को भी उखाड़ फेंक देता है। ऐसा करने में इस पक्षी को लगभग 5 महीने गुजर जाते हैं। 5 महीनों बाद फिर से जब उकाब पक्षी नई चोंच, नए नाखून और नए पंजों के साथ उड़ान भरता है, तब उसे नया जन्म लिए जैसा महसूस होता है और इसके बाद वह अपने बाकी के उम्र को भी जीवित रह लेता है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने इसलिए बोलता हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे चूक ना जाए।